तो लो जी, हम निकल चुके हैं अपने नए सफर पे। आज हम जा रहे हैं वैंकूवर टू कैलगरी बाय फ्लाइट, और ये काफी अच्छा नजारा दिख रहा है फ्लाइट से। तो ये हम पहुंच चुके हैं कैलगरी। तो यहां से हमने टैक्सी बुक कर ली थी एक, ये आप देख सकते हैं कैलगरी टावर से कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। तो ये रात को हमने चलाई फिर इलेक्ट्रिक बाइक, थोड़ा डाउनटाउन एक्सप्लोर किया कैलगरी का, और अगले दिन सुबह हम निकल गए बैंफ के लिए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। तो जो कैलगरी से बैंफ की दूरी है वो है 128 किलोमीटर, जो कि मतलब कि डेढ़ घंटे का सफर है, जिसमें मतलब कि काफी अच्छे व्यूज आते हैं रास्ते में। तो यहां हम पहुंच चुके हैं बैंफ। तो बैंफ पहुंच के मैंने और मेरे दोस्तों ने काफी सारे रील्स बनाए वहां पे। तो ये यहाँ पे एक कैसल था जो हमने एक्सप्लोर किया बाहर से ही। तो इसके बाद हम निकल गए लेक लुईस के लिए, जो कि बैंस से आधे घंटे का रास्ता है, लगभग 57 किलोमीटर्स। तो यहाँ का भी व्यू काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे सड़क पे हम फोटो भी नहीं खिंचवा सकते हैं, हालांकि इतने अच्छे व्यूज़ हैं, बट हम यहाँ पे खड़ी नहीं कर सकते गाड़ी बिल्कुल भी। तो ये रूल्स बनाए हुए हैं यहाँ पे। अगर जैसे कि हमारा इंडिया होता तो आपने देखा ये कितने सारे लोग यहाँ पर फोटो खिंचवाने लग जाते हैं अगर व्यू काफ़ी अच्छा आता है तो यहाँ ऐसा नहीं कर सकते हम। पहुंचने वाले थे लेक लुईस, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, काफी अच्छी लग रही है यहाँ पे देखने में। और बस यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे थी लेक, और ये सामने आप देख सकते हैं ये फेयरमाउंट होटल है। तो ये आप देख सकते हैं लेक का व्यू। तो यहाँ हमने कायाक एक रेंट पे ले ली थी, मैं और मेरे दो दोस्तों ने। तो ये हमें पड़ी $160 पर पर्सन एक घंटे के लिए। तो यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा मिल रहा था लेक का, तो ये करके हमें काफ़ी मज़ा आया। तो मेरा ये एक दोस्त जो बीच में बैठा था वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा था, तो आप अब देख सकते हैं बहुत ही फनी मोमेंट आने वाला है अभी। सावन ऊपर क्यों उठा रहा पानी? टकराने वाले हम टाइटैनिक है जी।
चलो ले रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ले रहा हूँ, अभी खींच दो फोटो, रुक जाओ, आगे चलो आगे चलो। किधर को मुड़ रहे हो? इधर मार, उधर जाएंगे तो अभी। नहीं 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 लेफ्ट पे मार, लेफ्ट पे मार, चल। तो ये मेरा और मेरे दोस्तों का फर्स्ट एक्सपीरियंस था कायाकिंग का। तो हमें काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। चल यार लेक शोर की तरफ चलते हैं। चल भाई, पता क्या टाइम ज्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से। नहीं होता, मेरे को पता है किधर डायरेक्शन से किधर कैसे लगी। ये देख, ये अपनी ना लहरें हिला रही है बोट। चल इधर राइट को थोड़ा तेज मार, लेफ्ट को जाने दे। अरे मुझे डर लग रहा है, प्लीज अब थोड़ी सी चलती है, थोड़ी जब जोर लगे थोड़ी सी तो हिलती है वो। कल्ले क्या करते फिर? कल्ले कुछ रोल नहीं जाता, कल्ला कल्ले कैसे कर लेते? ये देख लेगी गगन कर लेते हैं, कर लेते हैं। हमें खुद ही लगता नहीं है, कुछ गलत क्यों करेंगे। इधर ही चलाते रहे तो यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था फेयरमाउंट होटल का। तो ये वाला जो होटल है वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल है कनाडा का। तो बस यहाँ तक ही था ये व्लॉग। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू।